वेलकम बैक एवरीवन टू शिशिर सर क्लासेस, अब ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम माइक्रोब्स का यूज हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में करते थे, जिसमें मैंने आपको कर्ड बनाना बताया मिल्क से, टोडी बनाना बताया, ठीक है, और इडली डोसा इसके बारे में बताया कि कैसे बनेंगे ये, और मैंने आपको चीज तक भी बताया, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम माइक्रोब्स का यूज इंडस्ट्री में करके प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके 12th क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इवन आपके मेडिकल एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, थोक के भाव क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लो, क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें आज इसमें ब्यूरेजेस पढ़ने हैं, एंटीबायोटिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, और ये फर्मेंटर का एक डायग्राम है, बताती हूँ, सब्र रखो आगे, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमें पढ़ना क्या है इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मतलब हम किस तरह से माइक्रोब्स का यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे और उनसे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? फर्मेंटेड बिवरेजेस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, और ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। देखो बच्चे, एक बात आपको बता दूं, पहली चीज जो आपको इसमें पढ़नी है वो है फर्मेंटेड बीवरेजेस। और आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटी में ना बड़े ही सभ्य तरीके से फर्मेंटेड बीवरेजेस बोला गया है, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो फर्मेंटेड बीवरेज का मतलब दारू। क्या है? दारू है। तो आपको इसमें ये पढ़ना है कि कैसे दारू बनेगी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। अब देखिए, सोच रहे होंगे मैडम आप ये किसे लेके चली आई यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये है क्या, बता रही हूँ। जैसे मान लो आपको दारू बनाना है, तो आप घर में तो दारू बनाओगे नहीं, आप क्या करेंगे, आप एक बड़ी सी इंडस्ट्री होगी जिसमें जाएंगे, वहां पे दारू बनेगी। तो बड़ी सी एक इंडस्ट्री में दारू को बनाने के लिए कुकर भगोने का तो यूज होगा नहीं, वहां पे एक स्पेशल वेसल्स का यूज होगा, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोले एक बर्तन का यूज होगा, जिसे वेसल्स कहा है मैंने, उसी को ही हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर। नहीं समझे? देखो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड इन इंडस्ट्री इज डन इन अ वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर। जब हम लार्ज स्केल पे कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो हम जिस वेसल्स का यूज करते हैं उस वेसल्स को ही हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर। भाई हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे दारू बनानी है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, जिस वेसल्स का यूज कर रहे हैं, ये दिख रहा है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर कहते हैं, ठीक है। अब भूलना नहीं, अब ये एक साइंटिस्ट है जो कि क्या देख रहे हैं अपने टैबलेट में, पता नहीं क्या देख रहा है। नहीं भाई, ये क्या देख रहा है, इसका टेम्परेचर मेंटेन देख रहा है कि सही से ये वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सब भी तो बहुत जरूरी होता है ना चेक करना। तो फर्मेंटर समझ में आया? अब फर्मेंटेड बिवरेजेस मतलब किस तरह से दारू बनेगी। तो देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए सिर्फ एक रिएक्शन में दारू बना दी है। कैसे? आप भाई कोई भी ग्लूकोज का सोर्स ले लो, अब वो ग्लूकोज का सोर्स आपका वीट भी हो सकता है, बारले भी हो सकता है, या ग्रेप्स ले लो फ्रूट, ठीक है। इसमें आप सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो कि ईस्ट है उसको मिला दो, फर्मेंटेशन होगी, ठीक है। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस किस में हो रही है, फर्मेंटर। भाई इसी में तो हम सब कुछ मिला है, और यहीं पे क्या हो जाएगी, फर्मेंटेशन होगी, और क्या बनेगा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब मैं आपको रिएक्शन के फॉर्म में फिर से समझा दे रही हूं, ताकि आपको बहुत क्लियर समझ में आए। देखिए,
क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ग्लूकोज का सोर्स ले लिया वीट, या आप बारले ले लो, ले ली, या आप ग्रेप्स भी ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। अब इसमें आप ईस्ट मिला दो, कौन सी ईस्ट मिलाओगे, सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी आपने मिला दिया। अब क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा ना, और क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस CO2, यही जो C2H5OH बना है यही एथेनॉल है, यही दारू है, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, जो सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी है इसको हम ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्यों इसको ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका यूज हम बिवरेजेस बनाने में कर रहे हैं, दारू बनाने में कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी इज आल्सो कॉल्ड बेकरी ईस्ट। क्यों इसको बेकरी ईस्ट कहते हैं, क्योंकि यही वो ईस्ट है जो कि ब्रेड बनाने में यूज होती है, केक बनाने में यूज होती है। भाई केक का जो बेस होता है वो ब्रेड का ही तो होता है, ब्रेड ही तो है, तो केक बनाने में यूज होता है, बिस्किट बनाने में यूज होता है, ब्रेड बनाने में यूज होता है, तो इसको हम बेकरी ईस्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे ये दारू बनाने में यूज हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट। इतनी बात समझ में आई, भूलना नहीं, क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सैक्रोमाइसिस, क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे कि कौन सी ईस्ट यूज कर रहे हैं, तो आप बताएंगे सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं बिवरेजेस। देखिए बिवरेजेस दो तरह की हैं, पहली बिवरेजेस है अनडिस्टिल्ड और दूसरी है डिस्टिल्ड। ध्यान से इस बात को समझिएगा क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अनडिस्टिल्ड बिवरेजेस का जो एग्जाम्पल है वो कौन है, बियर है और वाइन है। अनडिस्टिल्ड बिवरेजेस में क्या होता है, इसमें एल्कोहल का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, इसमें एल्कोहल का कंसंट्रेशन कम होता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड बिवरेजेस होती हैं इनमें एल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। अनडिस्टिल्ड का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, बियर है और वाइन है। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम भी लेकर आई हूँ, डायग्राम से दिमाग भी जल्दी फीड होता है, ठीक है। तो डायग्राम को एकदम अपनी दोनों आंखें खोल के बहुत ध्यान से देखो, ये बियर का डायग्राम है, ये वाइन का डायग्राम है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। और डिस्टिल्ड में कौन आते हैं, ये देखिए डिस्टिल का एग्जाम्पल है, तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ब्रांडी है, विस्की है और रम है। अब बच्चे मेरे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछता है कि आपको चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें से अनडिस्टिल्ड बिवरेजेस बताओ। अब चार ऑप्शन कौन से दिया, मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दिया है ब्रांडी, और आपको रम दे दिया, और विस्की दे दिया, और एक आपको दे दिया वाइन। अब आपको बोलेगा इसमें से कौन सी अनडिस्टिल्ड है, ठीक है। अगर याद होगा तभी बता पाओगे, नहीं याद होगा तो कैसे बताओगे। तो मैं आपके लिए ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक कैसी है, देखो ट्रिक ऐसी है, एक भालू है, हाँ इंडिया का भालू नहीं है, फॉरेन रिटर्न भालू है, वो आपके भारत में आया, भाई फॉरेन के जंगलों में रह रहा था, यहाँ भारत आया, और जैसे ही भारत आया उसको क्या किया गया, उसको ऐसे रम दी गई कि लो भाई तुम रम पी लो, तो कह रहा है छी मैं रम पीऊंगा, मैं फॉरेन रिटर्न भालू हूँ, यहाँ ऐसा लोकल भालू नहीं हूँ, आई जस्ट लाइक ओनली वाइन। तो वो
मुझे वाइन चाहिए, मुझे वाइन लेकर आओ। तो भाई फॉरेन का भालू आया और हमारे देश में आया है तो हम इसको क्या देंगे? वाइन। तो ऐसे देखिए ये भालू है, अब इसको आप क्या करेंगे? वाइन दे देंगे। कलर चेंज कर लो, रेड से इनको वाइन है ना, तो रेड कलर की इनको क्या दी गई? वाइन पीने को दी गई। ऐसे ट्रिक याद रखिएगा। और ये कहाँ रह रहा था? जंगल में रह रहा था। तो जंगल में कोई भी मशीन नहीं है जिससे डिस्टिलेशन हो, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिस्टिल्ड रहेगा। तो अनडिस्टिल्ड बीवरेजेस का एग्जांपल बियर और वाइन से याद रखिएगा। भाई भालू तो जंगल में रह रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट मशीन तो है नहीं कि इस बीवरेजेस का डिस्टिलेशन हो सके, तो इन्हें क्या होगा? इन्हें वाइन पीनी पड़ेगी। तो ऐसे याद रखिएगा, अनडिस्टिल में बियर और वाइन आएगा। तो अब बताइए, अगर आपसे ये चार ऑप्शन दे दिया गया, अब इस चार में कह रहा है भैया अनडिस्टिल्ड बताओ, तो अनडिस्टिल्ड का मतलब दिमाग में जंगल आ जाएगा कि भाई जंगल है, मशीन नहीं है। और कौन था? भालू था और वाइन। फटाक से वाइन देखो, ये वाइन मिल गई, हो गया सही, एक नंबर मिल गया। ठीक, तो इस तरह से आप तैयार करेंगे। अब जो बच रहा है डिस्टिल्ड, उसमें ब्रांडी, विस्की और रम डाल दो। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी है एंटीबायोटिक्स। देखिए एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स की कहानी थोड़ी सी अलग है। कहानी क्या अलग है अभी बताती हूँ, सब्र रखिए। देखिए एंटीबायोटिक्स की जो कहानी है उसको बताने से पहले मैं आपको एंटीबायोटिक का पोस्टमार्टम करवा देती हूँ। अब बोलोगे मैडम एंटीबायोटिक का कहाँ से पोस्टमार्टम होगा, वो तो इंसानों का होता है पोस्टमार्टम, आप इनका करा रही हैं, कोई बात नहीं, हम बायोलॉजी वाले हैं, हम कुछ भी करा सकते हैं अगर अपने कराने पे आए तो। देखिए एंटीबायोटिक्स, ठीक है, क्या हो गया यहां पे? जस्ट अ मिनट, चलिए पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। एंटी एंटीबायोटिक, ठीक, पोस्टमार्टम करते हैं। तो ये पोस्टमार्टम किए, तो जब पोस्टमार्टम किए तो पहले हमें क्या मिला? एंटी मिला, भाई दो शब्द से मिलके बना है, पहला चीज तो हमें एंटी मिल गया। दूसरा क्या मिला? बायोटिक, बायोटिक। तो भैया बायोलॉजी में एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब लाइफ। हो गया पोस्टमार्टम, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला ऐसे सर्टेन केमिकल्स जो कि लाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये हमारे आपके लाइफ के अगेंस्ट नहीं काम करते हैं, ये जिनके लाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं वो कोई और नहीं, वो है खतरनाक सा गंदा सा बैक्टीरिया। ये इनके लाइफ के अगेंस्ट करते हैं, बैक्टीरिया की बैंड बजाते हैं, बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एंटीबायोटिक्स की। अब देखिए एंटीबायोटिक्स की मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है जो कि मैं आपको बता रही हूं। केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स टू किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। नहीं समझ में आया? देखो जैसे मान लो ये कोई माइक्रोब्स है, मान लो ये फंजाई है, इस फंजाई से कुछ सर्टेन केमिकल्स निकलते हैं
और इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, एंटी बायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब देखो हुआ क्या, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये एक बैक्टीरिया खतरनाक सा बैठा हुआ है मुस्कुराते हुए, हाँ अपनी धुन में बैठा है कि आज हमें इसको इसको बीमार करना है, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक्स है। अब जैसे ही बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक्स को देखी, इसकी हालत खराब, बोला भैया अब तो मैं गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा इसने क्यों सोचा, देखिए हुआ क्या। मान लीजिए ये जो फंजाई थी इसका क्या नाम था, इसको हम मान लेते हैं ये फंजाई कोई और नहीं, ये थी पेनिसिलियम। कौन थी, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम थी, ठीक। अब ये जो पेनिसिलियम नोटेटम थी बच्चे, इससे जो केमिकल निकल रहा था वो केमिकल क्या था, एंटीबायोटिक्स था। और उस केमिकल का नाम हम क्या दे दिए, जो एंटीबायोटिक्स था उसको हमने नाम दे दिया पेनिसिलिन। उसको क्या नाम दे दिया, पेनिसिलिन। मतलब फंजाई जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, उससे ये केमिकल निकल रहे थे, उस केमिकल को हमने क्या कहना है, पेनिसिलिन कहा, जो कि पेनिसिलिन कुछ और नहीं ये एक एंटीबायोटिक्स है। अब जैसे ये एंटीबायोटिक्स निकली, धड़ाधड़ 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 बैक्टीरिया पे फायर शुरू, फायरिंग शुरू, वर्ल्ड वॉर शुरू, और अब बैक्टीरिया की ऐसी की तैसी, बैक्टीरिया खत्म हो गया, ठीक है। तो अब बात समझ में आई मैंने क्यों बोला एंटीबायोटिक का मतलब वर्क अगेंस्ट लाइफ। तो ये किसके लाइफ के अगेंस्ट काम कर रही है, ये बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट काम कर रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एंटीबायोटिक्स जनरली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया नॉट वायरस। बच्चे एक चीज ध्यान दीजिएगा पहले मेरी बात, मान लीजिए किसी को जुखाम हो गया, ठीक है। तो जब भी जुखाम होता है, आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि जुखाम के केसेस में क्या होता है कि वो एक वायरल है, जुखाम एक वायरल है। मतलब कैसे वायरल, वो एक वायरस से होता है जिसका नाम होता है राइनो वायरस, ठीक है, हाँ, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। मतलब जो आपको कॉमन कोल्ड या जो जुखाम होता है वो वायरस से होता है, और वो वायरस कोई और नहीं राइनो वायरस है, ठीक है। अगर आप जिस इंसान को कॉमन कोल्ड हुआ है, अगर आप उसको एंटीबायोटिक्स दोगे ना, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वही मैंने बताया, एंटीबायोटिक्स जनरली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगी, वायरस पे नहीं, तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, वायरल में नहीं दी जाती है। समझ गए ये बात, ठीक है। ये हो गई कहानी खत्म, इनकी अब नया शुरू करते हैं, पेनिसिलिन। देखिए पेनिसिलिन के बारे में यहाँ पे बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। बोलोगे मैडम कौन सी कहानी, आप तो बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते स्टोरी सुनाने लगी। कोई बात नहीं, सुनना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारे ट्वेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इवन तुम्हारे मेडिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इवन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने जाते हो ना, वहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेता है पेनिसिलिन का, ठीक है। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये लैब में अपने गए, सुबह उठे अपने लैब में गए, और जैसे ही ये अपनी लैब में गए, इन्होंने क्या काम किया कि चार प्लेट्स ली, एक दो चार, ये चार प्लेट ली। अब इन चार प्लेट पे उन्होंने क्या काम कर दिया, स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया को ये ग्रो करा रहे हैं, ये देखिए स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी में ग्रो करानी है।
इन्होंने डाल दिया। अब ये काम वाम करके अपना चले गए शाम को लैब में ताला वाला लगा के। अब दूसरे दिन लैब में आते हैं और जब लैब में आते हैं तो क्या देखते हैं, जो चार प्लेट थी, प्लेट नंबर वन पे बहुत अच्छे से स्टेफलोकोकस की कॉलोनी ग्रो हुई है, खुश अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सेकंड पे भी बहुत अच्छे से ग्रो हुई है, थर्ड पे भी ग्रो हुई है, अच्छे से कॉलोनी स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रो कर गई। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का माथा चकरा गया, क्यों भाई? क्योंकि चौथे पे कुछ और ग्रो कर गया, वो कोई और नहीं था, वो क्या था? वो फंजाई थी। वो क्या? फंजाई ग्रो कर गई। अब सर पे हाथ रख लिए, कहे भाई मैं तो चारों पे, मुझे स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया चाहिए थी, ये तो सिर्फ तीन पे ही आई, ऐसा चौथे पे क्या है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने दिया? तो कहे कोई बात नहीं, हमारा तो प्रोफेशन ही है खोज करना, रिसर्च करना, चलो रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने इस प्लेट को लिया और ले गए, निकाले, देखें कि उनको ये दिखा दिया कि इसमें ये फंजाई ग्रो करी है। तब उनको समझ में आया कि ये जो फंजाई है, इसी फंजाई की वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रही थी। ठीक है, देखो हुआ क्या, इस प्लेट में जो फंजाई थी वो कौन सी थी? वो फंजाई आपकी जो इस प्लेट पे थी वो थी पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंजाई थी। और ये जो केमिकल रिलीज कर रही थी वो केमिकल कौन सा था? वो केमिकल था पेनिसिलिन था। और यही पेनिसिलिन कोई और नहीं, यही क्या हो गई? फर्स्ट एंटीबायोटिक हो गई, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स हो गई। तब इनको समझ में ये बात आ गई कि अच्छा ऐसी कुछ कहानी थी। अब आगे देखिए, अब क्या हुआ कि ये जो डिस्कवरी थी इसके लिए दूर दूर तक किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था। इवन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पहले भी जो साइंटिस्ट थे या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तक के भी दिमाग में नहीं आ रहा था, कुछ प्री प्लान ही नहीं हुआ था। भाई हम आप कोई भी काम करते हैं लैब में तो एक प्री प्लान करते हैं ना कि अब हमें ऐसे ऐसे ये करना है, लेकिन इनके पास कोई भी प्री प्लान नहीं था। ये डिस्कवरी बाय चांस हो गई, हाँ, बिना किसी प्लान के। तो ये बाय चांस डिस्कवरी हो गई, दैट्स व्हाई दिस डिस्कवरी इज आल्सो कॉल्ड बाय चांस डिस्कवरी। हाँ, अगर आपसे कभी आ जाए क्वेश्चन कि बाय चांस डिस्कवरी कौन सी थी, तो आप किस पे टिक लगाएंगे? पेनिसिलिन पे। तो ये क्या थी? डिस्कवरी बाय चांस। ये कैसी डिस्कवरी थी? बाय चांस हुई डिस्कवरी थी। इज दैट क्लियर? आई थिंक यहां तक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैंने आपको बताया था, वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। पहली क्वेश्चन पूछता है कि पहली खोजी गई एंटीबायोटिक कौन थी, तो वो पेनिसिलिन थी। ठीक है, अब इनकी डिस्कवरी की कहानी तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन भैया एक बार और से सुन लो, जितनी बार सुनोगे दिमाग में फीड हो जाएगा। वाइल वर्किंग ऑन स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया फ्लेमिंग ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ फंजाई अराउंड विच द बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो, इट वॉज फाउंड टू बी अ केमिकल पेनिसिलिन प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम नोटेटम। वो क्या थी फंजाई? कौन सी फंजाई थी? पेनिसिलियम नोटेटम। और वो किसको नहीं ग्रो करने दे रही थी? स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया को। ठीक है, क्यों नहीं ग्रो करने दे रही थी? क्योंकि उससे जो केमिकल निकल रहा था पेनिसिलिन, वो एंटीबायोटिक्स था, और वो बैक्टीरिया जो कि स्टेफलोकोकस था उसको ही ऐसी की तैसी कर दे रही थी, मार डाल रही थी उसको। ठीक है, ये देखिए प्लेट्स ऐसे उन्होंने ली थी, तीन पे तो बैक्टीरिया की कॉलोनी बहुत अच्छे से ग्रो कर दी, चौथी पे उनकी हालत खराब हो गई कि क्या निकला है। लेकिन एक आपको नई डिस्कवरी तो मिली, हाँ, यहीं से
पेनिसिलिन मतलब यहीं से एंटीबायोटिक आ गई। ठीक है, तो ये एक तरह से वरदान ही है। ठीक है, आप देखिए, आप जानते हैं कि पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी थी ये बाय चांस हुई थी, कोई प्री प्लान तो था नहीं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देख लिया हाँ हाँ ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैठ गए आराम से। फिर एक दिन ऐसा हुआ, दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था चेन और फ्लोरे। चेन और फ्लोरे आपस में डिस्कस करते, भाई डिस्कवरी तो हो गई। चेन कह रहा है फ्लोरे से, भाई डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन इनका काम क्या है, ये किस तरह पे कैसे काम करेंगे। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस टाइम में बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो रहे थे, बहुत चोट लग रही थी, किसी को यहाँ किसी को यहाँ, बहुत कट पिट रहा था। तो उस केसेस में क्या किया गया कि ये जो एंटीबायोटिक्स थी इनको दिया गया। वो एंटीबायोटिक्स क्या करी, मान लो यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे कट हो गया, तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से वो बचा रही थी। इस वजह से चेन और फ्लोरे ने क्या पाया कि इनका पोटेंशियल का मतलब कि इसका सही काम क्या है, ये चेन और फ्लोरे जान पाए। ठीक है, तो फुल पोटेंशियल स्टेबलाइज बाय चेन एंड फ्लोरे, यहाँ से पूछता है हाँ इसका पोटेंशियल मतलब ये क्या काम कर रहा है, किस तरह से। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं बताया था, वो तो बैठ गए अपना, भाई ये किस तरह से ह्यूमंस पे फायदा करेगी, ये चेन और फ्लोरे ने बताया। तो इसका फुल पोटेंशियल स्टेबलाइज बाय चेन एंड फ्लोरे, ये हो गया। फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे, इनको नोबल प्राइज मिला था, भाई काम बताया था ना, और किस में, 1945 में मिला था, ईयर में, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। देखिए, एंटीबायोटिक वाज यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, मैंने आपको बताया था जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो इसका यूज किया गया था, तभी तो पोटेंशियल जान पाए थे इनका सही से। आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया हुआ है। कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जिनके लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। देखिए, डिजीज क्योर बाय एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि एंटीबायोटिक्स से सही होती है, वो कौन सी हैं, हाँ प्लेग है, वूफिंग कफ है, जिसे हिंदी में काली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया है जिसे गालघोटू भी कहते हैं, और लेप्रोसी है, और इसको भी हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। बच्चे मेरे, मैं तुम्हें इसको याद रखने की एक ट्रिक बताती हूँ, वो ट्रिक क्या है, अगर एग्जाम में आ गया तो भूलना नहीं, इसीलिए ट्रिक को अच्छे से याद कर लो। देखो, मान लो आपका फ्रेंड सोहन है, उसकी बर्थडे पार्टी है, आप गए, तो सोहन ने आपसे बोला कि प्लीज कमल गाना गा ले, आज मेरा बर्थडे है तो प्लीज भाई तू मेरे लिए एक गाना गा ले। तो यही है ट्रिक। ट्रिक क्या है, कमल प्लीज गाना गा ले, ऐसे। इसका फर्स्ट वर्ड पकड़िएगा, के, के स्टैंड फॉर काली खांसी, काली खांसी, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वूफिंग कफ। और पी से पहला प्लेग, पीएल है ना, तो पीएल इसको भी पकड़ लो, तो ये क्या हो गया, ये प्लेग के लिए हो गया। ठीक, गाना गाले मतलब गाल घोटू, गाल घोटू, ठीक। और एक बचा अपना लौता ले, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग। बैठ गए ना सारे के सारे ट्रिक में, कमल प्लीज गाना गा ले, तो काली खांसी, प्लेग, गाल घोटू और लेप्रोसी। ठीक, देखिए मैंने दिया था ना 1 2 3 4 और चारों बैठ भी गए, 1 2 3 4, ऐसे आप याद रखिएगा ट्रिक। ठीक है, आई होप
आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया, ठीक है, और इसको अच्छे से आप स्टडी करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, आगे के नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स, बाय बाय।